भारत और चाइना के बीच कल एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। वहां पर जब चाइना ये मुकाबला हार गई तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। वो तस्वीर थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, जिन्होंने तीसरा स्थान इस टूर्नामेंट में हासिल किया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के थोड़ी देर पहले अपना मुकाबला खेलकर स्टेडियम में वो फाइनल मुकाबला भारत और चाइना के बीच देखने रुके थे। लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने हाथ में चाइना का झंडा लेकर बैठे हैं, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत को नहीं बल्कि चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय फैंस के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहले जब आपका भारत से मुकाबला होता है तो आप भारतीय खिलाड़ियों से लड़ते हैं, जानबूझ के लड़ाई करने के बहाने खोजते हैं। उसके बाद जब चाइना आपको हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर कर देती है, यानी फाइनल की रेस से बाहर कर देती है, फिर भी आप चाइना को सपोर्ट करते दिखते हैं, चाइना के झंडे आपके हाथ में रहते हैं न कि भारत के। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से या पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने निकल कर नहीं आया है। पाकिस्तान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरा स्पॉट हासिल किया है। पाकिस्तान ने तीसरे पायदान के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया को 5-2 से हराकर वो स्पॉट हासिल किया है। वहीं फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल में भारत ने चाइना को 1-0 से हराकर वो मैच अपने नाम किया। स्कोर लाइन 1-0 की रही क्योंकि यहां पर चाइना ने शानदार गेम दिखाया, लेकिन मैच के 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने वो शानदार गोल दागा और भारत को दोबारा से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में बैक टू बैक बार खिताब जीता दिया है। लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, लोग इस पर तमाम मीम्स भी बना रहे हैं। एक मीम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा जा रहा है, जिसपे सबसे पहले तो चाइनीज फैंस की तस्वीर आई है, जिसपे लिखा गया है कि हम तो दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा कोई और दुखी था। हमसे ज्यादा कोई और दुखी कौन था? वो थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो थे पाकिस्तानी समर्थक जो इस फाइनल मुकाबले में भारत का नहीं बल्कि चाइना का सपोर्ट कर रहे थे। अब इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।